कोरोना की दूजी लहर ने देश नूं बेसहारा बना दिता है। तेजी नाल वध रहे मामले ते दम तोड़ते मरीज, सब कुछ तेजी नाल निकल रहा है। लोग परेशान ने, सरकार ते चौतरफा वार हो रहे ने, पर कोशिशां लगातार जारी ने। हालात मुश्किल जरूर ने, पर इस नाल निकलन दी कोशिशां लगातार जारी ने, ते इन्हां कोशिशां दा असर भी हौली हौली वेखण नूं मिलण लगा है। यही कारण है कि हुण बहुत कुछ काबू च विख रहा है। हालांकि चुनौती बहुत वड्डी है। अजिहे च असीं तुहानूं अज देश दी उन्हां कोशिशां बारे जाणू करवावांगे, जिन्हां कारण ना सिर्फ दूजी लहर तों बाहर निकले आ, बल्कि तीसरी लहर लई भी पूरी तरह तैयार हो रहे आ। असीं तुहानूं अज सिलसिलेवार देश दे उन्हां आत्म निर्भर हथियारां बारे दसांगे, जिन्हां ने कोरोना दी जंग च भारत नूं कामयाबी दिलाई है। सब तों पहलां गल करदे आ वैक्सीन दी। जिस बारे गल करन तो पहला असी तुहानू आंकड़े विखाउणा चाहुंदे आ, जिसनू देख के समझना आसान होवेगा कि कोरोना विरुद्ध भारत की लड़ाई किन्नी जंगी पद्धर ते चल रही है। रोटा वायरस महामारी की वैक्सीन दुनिया च 1198 च आई, जबकि भारत च इसनू आउण च 17 साल लगे। जापानी इंसफेलाइटिस की वैक्सीन भारत च आउण च 83 साल लगे। हैपेटाइटिस बी की वैक्सीन करीब 20 साल बाद भारत च आई। पोलियो की वैक्सीन आउण च 23 साल लगे, जबकि टैटनस की वैक्सीन भारत च 54 साल बाद आई। लेकिन कोरोना की वैक्सीन दुनिया च आउण ते 1 महीना पहला ही भारत अंदर तैयार हो गई। जाहर है कि इस महामारी नूं हराउण दे लई देश दे विज्ञानी ते डॉक्टर तेजी नाल काम कर रहे ने। पहली लहर दे खत्म हुंदे हुंदे भारत ने 2 वैक्सीन नूं मंजूरी दित्ती है। कोविशील्ड, जिसका निर्माण सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जिस दे लई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ते होर दवाई कंपनी एस्ट्राजेनिका मदद कर रही है। यह पूर्ण रूप च स्वदेशी वैक्सीन है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक कर रहा है। दोवें वैक्सीन कंपनियां टीकाकरण का काम तेजी नाल कर रही ने। इस विचाले दूजी लहर के कहर के दौरान रूस की स्पुतनिक वी नूं भी मंजूरी मिल गई है, जिसके 2.5 लाख तो वध डोज भारत पहुंच चुकी है, ते अगस्त च भारत विच इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। भारत च स्पुतनिक वैक्सीन दे 85 करोड़ डोज का उत्पादन किया जाएगा, जिस विच मई के अखीर तक 30 लाख डोज ते जून च 50 लाख डोज मिलेगी। As you know, Sputnik V vaccine is already registered in India. The first doses of vaccine have already been supplied by the Russian side to India, and this will gradually be increased in May, June, and July. वैक्सीन तो बाद कोरोना के खिलाफ जंग च भारत का दूजा वड्डा हथियार कोविड की दवाई है, जिसकी शुरुआत भी शुरू हो चुकी है। DRDO ने कोरोना के लिए 2DG नाम की दवाई बनाई है, जिसकी वरतों कोरोना मरीजों लिए की जा रही है। शुरुआती रिसर्च च इस दवा का मरीजों ते बेहतर असर वेखण नूं मिलिया, ते यही कारण है कि इसका उत्पादन वधाया जा रहा है। हालांकि इस समय यह दवाई सिर्फ हस्पतालों च ही डॉक्टरों की सलाह ते दी जा रही है। नॉट ओनली इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड व्हाटएवर द सैंपल्स एंड मटेरियल वी हैड, वी बीन गिविंग इट टू वेरियस हॉस्पिटल्स इन द लास्ट 10-15 डेज on doctor's prescription, and in general we are getting very good news that it is improving the patients faster. Corona de ilaaj ch dusri dawai hai virafin, jisnu drug controller journal of india vallo manzoori mili hai. Pegylated interferon alpha 2b yani virafin da nirman Zydus Cadila ne kita hai. ते फेज 3 दे क्लिनिकल ट्रायल तो बाद इस दवाई नूं कोरोना दे खिलाफ जंग च कारगर मन्या जा रहा है। इस दवाई दी वरतों दे बाद कोरोना पीड़ित मरीजां दा टेस्ट 7 दिनां विच ही नेगेटिव आवेगा। हालांकि इस दवाई नूं भी डॉक्टरां दी सलाह ते दित्ता जा रहा है। कोरोना विरुद्ध जंग च भारत दा तीजा वड्डा हथियार घरेलू किट है, जिस दी मदद नाल हुण लोक घर च ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकदे ने, रिपोर्ट दे हिसाब नाल इलाज शुरू कर सकदे ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस किट नूं मंजूरी दे दित्ती है, जिस दे हल्के लक्षण वाले लोग एंटीजन टेस्ट कर सकदे ने। इस किट दी वरतों कीवें कर सकदे हैं, ए भी देख लेना चाहिदा। मैं इस किट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इस पाउच में ये किट आएगा, और ये किट के कंटेंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये किट का मैनुअल है, विस्तार में इसकी जानकारी है कि ये किट आपको कैसे यूज करना है,
बड़े ही आसान तरीके से। उसके बाद आपको जो है हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, माई लैब कोवी सेल्फ, जो ऐप स्टोर या गूगल प्ले दोनों पर ही अवेलेबल है। ये डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए रेडी है। आपको हाथ धोकर स्वच्छ तरीके से आपको पहले ऐप में अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं, फिर आपको ये बफर ट्यूब खोल के इसे निकालना है और इसे दो तीन बार टैप करना है ताकि बफर नीचे आ जाए पूरा, और इसे आपको अनकैप करना है। इसके बाद ये नेजल स्वैब है, इसके निचले हिस्से को आपको इस तरीके से तोड़कर आपको ये स्वैब इसमें से निकालना है, और फिर जिसकी आपको टेस्ट करनी है उस व्यक्ति के पास आपको जाना है, और ये नेजल स्वैब मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर, इसे ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, 3 से 4 सेंटीमीटर डालकर दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल के आपको इसको रोल करना है। तो अभी जैसे आरटीपीसीआर होते उसी तरह, उसी तरीके से, मेरा पर वो नेजोफेरिंजियल डीप जाता है, ये नेजल स्वैब है ताकि सेफ्टी बनी रहे। सिर्फ अगर आप देखें तो 3 से 4 सेंटीमीटर डाल के आपको 5 बार रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल में, ये करते ही आपका सैंपल रेडी है। आपको इसे इस बफर ट्यूब में डाल के इसे दबाकर इसे आपको 10 बार हिलाना है। और यह एक ब्रेकेज पॉइंट है जहां पे इसको आपको तोड़ देना है ताकि कंटेमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। इसके बाद ये ड्रॉपर है, इसे आपको सील करना है। आपको इस QR कोड को ऐप में स्कैन करना है और 2 ड्रॉप्स हमने ट्यूब को इस तरीके से बनाया है कि 2 ड्रॉप उसी साइज के इसमें निकलते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी, और आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पहले सी लाइन आएगी जिसका मतलब आपने टेस्ट को ठीक से कंडक्ट किया है, फिर अगर आप पॉजिटिव हो तो 5 से 7 मिनट में टी लाइन आती है, अगर सी और टी दोनों लाइन आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट तक रुकना है, अगर 15 मिनट के बाद टी लाइन नहीं आती तो हमारे ऐप में 15 मिनट के बाद अलार्म बजता है, उसके बाद आप चेक कीजिए, अगर टी लाइन नहीं आती है, सिर्फ सी लाइन आती है, इसका मतलब आप नेगेटिव हो, और अगर सिर्फ टी लाइन आती है या कोई लाइन नहीं आती इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, ठीक से कंडक्ट नहीं किया गया है। एक बार 15 मिनट हो जाते हैं आपको टेस्ट रिजल्ट का फोटो हमारे ऐप में लेकर अपलोड करना है और आपको आपके टेस्ट का रिपोर्ट आपके ही ऐप में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो सारे कॉन्टेंट्स है इस बायो हजार्ड बैग में आपको डालने हैं और इसको डाल के सील करके आपको इसको डिस्पोज करना है ताकि सेफ डिस्पोजल रहे और कंटेमिनेशन का खतरा नहीं रहे। ये टेस्ट किट जल्द ही बाजार च उपलब्ध होवेगी जो तुहानू घर बैठे दसेगी कि तुसी कोरोना पीड़ित हो या नहीं। पर एक होर टेस्टिंग किट देश दे लई वड्डी कामयाबी है जिसनू तैयार कीता है DRDO ने। डिप कोविन नां दी इस किट दे राही तुसी घर बैठे ना सिर्फ कोरोना जांच कर सकदे हो, शरीर दी एंटीबॉडी दा पता भी लगा सकदे हो, नाल ही प्लाज्मा दी जानकारी भी ले सकदे हो। हुण अखीर च कोरोना दी जंग च भारत दा एक होर हथियार ऑक्सीजन है। कोरोना दी दूजी लहर च सब तो बाद जेकर किसी चीज दी कमी हुई है ते लोका दी जाना जा रही ने उसका कारण है ऑक्सीजन। अचानक ऑक्सीजन दी मांग कई गुना वध गई है, इस दी कमी नाल लोका दी जाना भी गई ने। दिल्ली तो लेके मुंबई तक, कोलकाता तो लेके चेन्नई तक हर पासे सिर्फ मारामारी मची है। ऐसे च सरकार ने ऑक्सीजन दी कमी नु दूर करन लई जंगी पद्धर ते काम शुरू कर दिता है। पहला देश भर च ऑक्सीजन सप्लाई दे लई हवाई सेना तो लेके रेलवे तक नु लगाया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने देश दे वखो वख हिस्सिया च लोड़ींदियां थावां ते ऑक्सीजन भेजी, जबकि हवाई सेना ने जहाजा राही खाली टैंकरा नु पहुंचाउण च मदद कीती। दूजा दुनिया ने वखो वख देशां च भारत ने ऑक्सीजन दी आपूर्ति कीती, कदे इटली ते कदे फ्रांस, कदे ब्रिटेन ते कदे रूस। हर दिन बीतन दे नाल दुनिया ने भारत दा हाथ तेजी नाल फड़िया, हालात ते काबू पाउण च मदद कीती। तीसरा सब तो वड्डा कदम नवे प्लांट लगाउणा है। ऑक्सीजन दी आत्मनिर्भरता वधाउण दे लई वड्डे वड्डे प्लांटा दे निर्माण दे नाल ही हस्पतालां ते सेहत केंद्रां च छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाण लगे, जिस दा सिलसिला अजे भी जारी है।
जाहिर है इसका असर भी वेखण नूं मिल रहा है ते हुण ऑक्सीजन दा उत्पादन मंग नालों किते वध गया। कोरोना दे खिलाफ जंग च इह भारत दा आत्मनिर्भर हथियार है, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।